मैं कुछ कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधी रचना पढ़ता हूँ, समय बहुत कम है। एक गजल के कुछ शेर पढ़ूंगा, हास्य विनोद का समय नहीं रहा, आज कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं। एक गजल के कुछ पंक्तियाँ आपको अगर अच्छी लगेंगी तो आप तालियों से मेरा उत्साहवर्धन करिएगा, और अगर किसी से संबंधित लगे तो हृदय में अपने उससे स्थान दीजिएगा। कि इस दुनिया में ना ठहना ही हमने अच्छा समझा, इस दुनिया में ना ठहना ही हमने अच्छा समझा, सूखे पेड़ों सा ढहना ही हमने अच्छा समझा, सूखे पेड़ों सा ढहना ही हमने अच्छा समझा। कोई सुन लेता तो कहता हमको भी आवारा, कोई सुन लेता तो कहता हमको भी आवारा, बस नजरों से सब कहना ही हमने अच्छा समझा, बस नजरों से सब कहना ही हमने अच्छा समझा। ये पंक्तियां देखिएगा कि लैला कह महफिल में करता रुसवा कैसे उनको, लैला कह महफिल में करता रुसवा कैसे उनको, उनकी खातिर चुप रहना ही हमने अच्छा समझा, उनकी खातिर चुप रहना ही हमने अच्छा समझा, सूखे पेड़ों सा ढहना ही हमने अच्छा समझा। और ये पंक्तियां देखिए कि दर्दे दिल में कह देता तो शायद वो रो देती, दर्दे दिल में कह देता तो शायद वो रो देती, चुपके गम सहना ही हमने अच्छा समझा, चुपके गम सहना ही हमने अच्छा समझा, सूखे पेड़ों सा ढहना ही हमने अच्छा समझा। और ये अंतिम पंक्तियां कि दिल में उनके, इससे पहले एक और बहुत जबरदस्त शेर है, मुझे लगता है आप सभी को बहुत पसंद आएगा, कि सागर होते तो फिर होती हम में भी गहराई, ओझा जी, कि सागर होते तो फिर होती हम में भी गहराई, दरिया बन कल कल बहना ही हमने अच्छा समझा, दरिया बन कल कल बहना ही हमने अच्छा समझा। और ये अंतिम नक्ता देखिएगा कि दिल में उनके बस जाने को लाइन है अमितों की, दिल में उनके बस जाने को लाइन है अमितों की, बन जाना उनका गहना ही हमने अच्छा समझा, बन जाना उनका गहना ही हमने अच्छा समझा, सूखे पेड़ों सा ढहना ही हमने अच्छा समझा, इस दुनिया में ना ठहना ही हमने अच्छा समझा।